अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सच्चाई जानने के लिए सीबीआई टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है और पहले दिन ही सीबीआई बागम्बरी आश्रम पहुंची। सीबीआई की टीम ने प्रयागराज पुलिस के बड़े अफसरों और मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम से भी बात की। एसआईटी टीम सीबीआई को जांच सौंपने से पहले आखिरी बार बागम्बरी मठ पहुंची और उन सारे बिंदुओं पर दोबारा से जांच की जो उसे सीबीआई को बताने थे। बागम्बरी मठ पहुंचने के बाद सीबीआई की टीम ने महंत नरेंद्र गिरी के सील कमरे की जाँच बाहर से की। इसके अलावा सीबीआई की टीम ने महंत नरेंद्र गिरी की समाधि को भी देखा। सबसे पहले सीबीआई को हरिद्वार के उस शख्स की तलाश है जिसने नरेंद्र गिरी से कहा था कि उनका शिष्य आनंद गिरी उनका वीडियो वायरल करने वाला है, जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि जब हरिद्वार से सूचना मिली कि एक दो दिन के अंदर आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी महिला या लड़की के साथ गलत काम करते हुए मेरी फ़ोटो लगाकर फोटो वायरल कर देगा, मैंने सोचा था कि कहां तक सफाई दूंगा, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी ने उस शख्स की पहचान कर ली है जिसकी इस खबर से परेशान होकर नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की, लेकिन बागम्बरी मठ से जुड़े साधु संत और बाकी अखाड़ों के महंत इस बात को नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या हुई है और उनका कथित सुसाइड नोट भी फर्जी है, इसलिए सीबीआई के सामने कुछ सवालों को सुलझाना बेहद जरूरी है। एसआईटी पहले ही महंत नरेंद्र गिरी के आरोपी शिष्य आनंद गिरी के लैपटॉप से कथित वीडियो बरामद कर चुकी है जिन्हें लेकर ब्लैकमेल किए जाने की बात कही जा रही है। अब इन वीडियो की क्या सच्चाई है और वीडियो का महंत की जिंदगी से क्या संबंध है, इसके हर पहलू की जांच सीबीआई को करनी है। इसके साथ ही सीबीआई को उस शख्स को भी बेनकाब करना है जिसकी वजह से महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे।